हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्त्रियों के पायल पहनने के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे संस्कारों में स्त्री की तुलना माँ लक्ष्मी से की जाती है और यह भी कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री खुश हो और पायल की छनछन की आवाज जिस घर से सुनाई देती हो उस घर में पैसे की कमी कभी नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पायल हमेशा चांदी की धातु के ही पहननी चाहिए। सिर्फ पत्नी के पैरों की पायल ही नहीं बल्कि बेटी के पैरों की पायल भी आपको धनवान बना सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शादी के बाद जब बेटी घर से विदा होती है तो उसके विदा होने के साथ ही घर से माँ लक्ष्मी भी विदा हो जाती है और घर में धन की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की हानि से बचने के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है। बेटी की शादी तय होते ही आपको अपनी बेटी को चांदी की पायल पहनवा देनी चाहिए और शादी वाले दिन जब विदाई का समय हो तब दोनों पायलें उतरवा कर एक पायल को आप अपने घर की तिजोरी या फिर यहाँ आप पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दें और दूसरी पायल अपनी बेटी को उपहार में दे दें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहेगा और बेटी की विदाई के बाद भी घर में पैसे की कमी नहीं होगी। चांदी की पायल पहनने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, इसलिए चांदी की पायल पहनने से मन स्थिर रहता है और काम में भी मन हमारा लगा रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पायल के अलावा चांदी का बिछिया भी शादीशुदा स्त्रियों को जरूर पहनना चाहिए। चांदी का बिछिया पहनने से भी मन के कारक चंद्रमा को बल मिलता है। बिछिया कभी भी सोने का नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करने पर धन का नुकसान हो सकता है। मॉडर्न साइंस भी यह कहती है कि चांदी का बिछिया पहनने से मन जो है वो शांत रहता है और मन को स्थिरता मिलती है। अगर आप भी बिछिया पहनती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना पहना हुआ बिछिया कभी भी उतार कर किसी और स्त्री को ना दें। ऐसा करने से आपके पति की हेल्थ खराब हो सकती है और कर्जा भी बढ़ सकता है, कर्जे में बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी चांदी की पायल और बिछिया पहनने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।